कार्रवाई हुई है, बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है? उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों में पुलिस अधीक्षक बनाइज महोदय के नेतृत्व में आज दरगाह पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें 153 किलो गांजे की बरामदगी हुई है। उसके साथ ही साथ उसमें 4 अदद मोटरसाइकिलें रिकवर हुई हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा रिकवर हुआ है, साथ ही साथ 8 अदद मोबाइल फ़ोन जो है ये रिकवर हुए हैं। ये समस्त अपराधी गांजे का कारोबार करते थे अगल बगल के जनपदों में, खासकर श्रावस्ती और बलरामपुर तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था। ये सारे लोग पकड़े गए हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इनके लिंक्स को भी तलाशा जा रहा है। साथ ही साथ अपराध से जो इन्होंने संपत्ति अर्जित की होगी उसका भी आकलन किया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कराई जाएगी और 14 उनकी संपत्ति का जब्तीकरण भी किया जाएगा। सर, कहाँ से ये गांजा लाते थे, किन लोगों तक बेचते थे, क्या इस बारे में? ये पूरा विषय अभी विवेचनाधीन है, हम लोग पता लगा रहे हैं कि इसका मूल स्रोत कहाँ है, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, ये सारी चीज़ें विवेचना में क्लियर की जाएंगी। लेकिन यह तय है कि इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी और इनकी संपत्ति जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसका जब्तीकरण किया जाएगा। कोई आपराधिक इतिहास इन लोगों का? वो सब सारी चीज़ें खंगाली जा रही हैं निश्चित रूप से, इसमें कुछ नए लोग भी हैं लेकिन इसके पीछे कोई एक बड़ा नेटवर्क है, उसकी संभावना है, उसकी तलाश की। ये लोग नानपारा के सारे निवासी हैं, पड़ोसी देश नेपाल भी वहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है, क्या लगता है विदेश से भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं? बिल्कुल, ये हमारा जो पोरस बॉर्डर है यहाँ से स्मगलिंग होती है और अवैध मादक पदार्थों की, इस पर हमारी भी नज़र है और नेपाल जो कोऑर्डिनेशन बैठक होती है उसमें उनकी भी नज़र है और इस पर एसटीएफ भी काम कर रही है, तो पूरे एजेंसीज मिल करके इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की प्रयास में हम लोग हैं और इस तरह से सूचनाएं जैसे मिलती रहेंगी और हम लोग सफल होते रहेंगे। कीमत तो बताएं? अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमत 1 करोड़ के ऊपर होगी। साथ ही साथ जैसे ये छोटे शहर से बड़े शहरों में जाता है जहाँ पर इसकी डिमांड होती है अधिक और जहाँ पर इसकी उपलब्धता कम होती है उस हिसाब से इसका मूल्य घटता बढ़ता रहता है।